हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्सियम पर। और आज के पहले जितना भी सारा लेक्चर हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं हम लोग, गॉस लॉ पढ़ चुके हैं और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह पर डिस्कशन हुआ था। आज हम लोग पहला नंबर तो ये लेक्चर देखने के पहले, ठीक है, पीछे के सारे लेक्चर देख करके, बिना पीछे के लेक्चर देख करके सीधे आओगे इस पे तो कुछ मतलब नहीं बनेगा, आधा समझ में आएगा, आधा कुछ देखोगे कोई मायने नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा कोशिश करना है, पहले पीछे पढ़ करके आओ तब फिर इसको देखो, ठीक है। सेकेंड चीज, इस लेक्चर के पहले हम लोगों ने छोटा सा रिकॉल कर लेते, गॉस लॉ पढ़ा था। अरे एक हम लोग कंडक्टर के ऊपर जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं या फिर उसके ऊपर चार्ज होता है तो हम लोग उसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह को पढ़े हुए थे, तो आज हम लोग उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या क्या सीखे थे, कंडक्टर था तो कंडक्टर के अंदर में हम लोग सीखे थे कि चार्ज नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं होता है, इसके वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, पढ़े थे ना। मान लेते हैं पहला पॉइंट क्या सीखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बात तो सर रोज ये पढ़ाते हैं ना, इन साइड द कंडक्टर शुड बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर जीरो होता है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ये बात याद रखना है, अंडर इलेक्ट्रो स्टैटिक कंडीशन, है ना। इसका मतलब क्या होता है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से बता देते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, तो इसके अंदर में चार्ज हमने मान लो दिया, तो भाई अंदर में चार्ज है ना कि नहीं है। और अगर अंदर में चार्ज है तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, लेकिन क्या ये चार्ज यहां पर रुक सकता है, नहीं, क्योंकि ये 400 मूवेबल है, ये 400 मूव करेगा तो ये वाला क्या करेगा, ऐसे रिपेल कर जाएगा, ऐसे रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इधर की तरफ जाएगा और ये वाला चार्ज इधर की तरफ आएगा, है ना, ये वाला चार्ज सरफेस की तरफ भागेगा, सारा चार्ज सरफेस की तरफ भागेगा, यानी कि ये मूवेबल चार्ज हो गया। इसलिए हम बोले कि स्टैटिक कंडीशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्या ये स्टैटिक कंडीशन में रहा चार्ज, ये तो मूव कर रहा है तो स्टैटिक तो नहीं रहा, स्टैटिक में रुका हुआ चार्ज तो नहीं है, ये रुकेगा कब, जब ये सरफेस पर आ जाएगा, और जब ये सरफेस पर आएगा तभी ना हम कहेंगे कि इसके ऊपर में सारा चार्ज है भाई और अब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुका है। ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन और ये हुआ एक जनरल या एक्साइटेड कंडीशन हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये सब लोग पढ़ चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक है एकदम बहुत छोटा सा टॉपिक है और इस पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। सबसे पहला काम तो ये करो कि अब से, है ना, कॉपी पेन लो और मेरे साथ में क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। देखो कि तुम पहले बनाते हो हम, है ना, थोड़ा ये काम कर लेना है, इज दैट ओके। तो मजे भी आएंगे क्योंकि हल्के हल्के चीजें हैं और कुछ पटापट समझ में भी आएगा, कुछ मतलब है नहीं उतना, तो ये बात तो समझ में आ गया पहला बात। सेकेंड नंबर में हम लोगों ने क्या सीखा था, गॉस लॉ सीखा था। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि भाई किसी भी सरफेस से पास होने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, E डॉट dA, ये हो जाता है Q कितना भी अंदर में चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और Q इनक्लोज तो क्या लिख सकते थे, अंदर में जितना भी dQ है उसी को जोड़ेंगे ना, तो अंदर का नेट चार्ज आएगा बाय एप्सिलॉन जीरो, ये हो गया नेट E डॉट dA, ये हो गया हमारा गॉस लॉ, इज इट ओके। और तीसरा बात हम लोग जिसका हम लोग आज यूज करने वाले हैं, बात हो रही है सरफेस ऑफ पैरेलल प्लेट्स, यानी कि प्लेट्स की बात होगी। और हम लोग दो कंडीशन सीखे हुए थे, अगर एक थिन प्लेट है तो उसके कारण इसके ऊपर मान लेते हैं एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पर अगर हमने चार्ज दिया हुआ है, तो हम लोगों ने सीखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत बड़ा प्लेट है तब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना हो जाता है, इधर की तरफ होगा ना, प्लस से बाहर की तरफ निकलेगा, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो उधर की तरफ, और अगर अपनी साइड में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस के कारण इधर की तरफ दिखेगा, तो इधर की तरफ कितना आएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। ये प्लेन सीट है, समझ में आ रहा होगा,
ना, इसके ऊपर पूरा का पूरा चार्ज है। तो हम इसके सरफेस से इधर की तरफ और उधर की तरफ बात कर रहे हैं, प्लेन सीट है, प्लेन। और अगर यहीं पर कोई कंडक्टिंग थिक सीट है, कंडक्टिंग थिक सीट है, मोटा सीट है, जस्ट लाइक क्या हम कहते हैं, ये देख लो, थिक सीट हुआ ये, है ना, ऐसा मोटा सीट। और अगर हम ये कहते हैं कि ये जो है, हो जाओ कैसे खुलता है, ये जो दिख रहा है, ये पतला, ये वो थिन सीट, है ना, एकदम पूरा थिन सीट, और ये हुआ पूरा मोटा थिक सीट। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो इस थिक सीट के अंदर में तो हम कहेंगे भाई अंदर में चार्ज नहीं, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो सारा चार्ज इसके सरफेस पर ही आएगा, है ना, ये बात समझ में आ रही बात। तो चलो हम लोग इसी के ऊपर स्टडी करने वाले हैं, कोई दिक्कत है, पहले यहां तक कॉपी कर लो, फिर अब बात करते हैं, क्योंकि बस छोटा सा रिकॉल कर दिए कि क्या क्या चीजें हो रही है, और इस पर हम लोग को सवाल वगैरह किए थे, आज बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है, कॉपी करो। अगर हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, और हम इस पे बाहर से एक चार्ज क्यू ला करके रख देते हैं, बाहर से हम एक चार्ज क्यू ला करके रख देते हैं, तो पहला कंडीशन देखो, बहुत सारे कंडीशन सीखेंगे आज। तो केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या है, इफ वी बाउट अ फॉरेन चार्ज ठीक है क्यू, ठीक है टू कह सकते हैं, टू थिक सीट, थिक कंडक्टिंग सीट, एक कंडक्टिंग सीट के, सीट है कंडक्टिंग सीट के पास, यहां पर हम एक चार्ज ला करके रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो चार्ज इसके सरफेस पर मान लेते हैं कि कुछ आ गया और इधर कुछ सरफेस पर आ गया, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं इस वाले पर, इस वाले पर मान लेते हैं कि एक्स चार्ज आया, एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज आया। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या थी, मतलब चार्ज की बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े थे, तो चार्ज कंजर्व होता है, ये बात पढ़े देना, यानी नेट चार्ज जो होता है वो फिक्स होता है, कि सिस्टम का वो चार्ज कंजर्व्ड होता है। तो यहां से अगर हमने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लाया था, उसमें से हम ये कह रहे हैं कि इस वाले फेस के ऊपर एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज आया है, तो इधर की तरफ कितना आएगा, इधर की तरफ क्यू माइनस में एक्स आएगा क्या। अगर हम बोले कि 10 कूलम हमने चार्ज यहां लाया, 2 कूलम इधर आया, तो 10 माइनस में 2 यानी कि 8 कूलम चार्ज इधर आया होगा ना, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो हम ये क्या कह देंगे, इधर की तरफ q माइनस में x अमाउंट ऑफ चार्ज आया होगा, समझ में आ गया बात। तो हम कह सकते हैं ना ये बात, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, अगर हम बाहर से q अमाउंट ऑफ चार्ज लाए हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस वाले प्लेट के ऊपर इधर वाले सरफेस पर, अगर हम यही कह रहे हैं यही हमारा थिक सरफेस है, इसके ऊपर हमने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लाया, तो इस वाले पर, इधर वाले पर एक्स आया है, तो इस वाले पर, इधर वाला वे हमारा क्यू माइनस में एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या सीखें, हमको पता है, देखो कॉन्सेप्ट कैसे लगा रहे हैं, हमको बस एक ही बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है, पता है ना, लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द जो भी कंडक्टर होगा वो जीरो होता है। तो हम ये क्या सीखे यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कंडक्टर इक्वल टू जीरो। तो अगर हम ये कह देते कि कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचो क्या होगा, तो इस वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा, कितना बनता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, लेकिन सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसका चार्ज बाय इसका एरिया, बात समझ में आया कि नहीं आया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो होता है ना, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, इसका चार्ज एक्स मान लेते हैं, एक्स तो है ही एरिया हुआ, इसका ए एरिया के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ए एरिया हम लिख सकते हैं इधर की तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा क्या, ऐसे, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि चार्ज कितना है, क्यू माइनस में एक्स अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, देखो q माइनस में x बाय a सिग्मा हो गया, लिख देते क्या, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हमको पता है ना, तो q तो सिग्मा की जगह पर चार्ज पर यूनिट एरिया हम लिख दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, और हमको पता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है,
इसका मतलब अगर जीरो है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये वाला इसके बराबर होगा, तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे जीरो होगा, ये पी पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है उतना ही इधर होगा, तभी ना हम कह देंगे जीरो होगा। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू क्यू माइनस में एक्स अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो, कट गया क्या यहां से? तो क्या बचा, एक्स इक्वल टू क्यू माइनस में एक्स, एक्स इक्वल टू क्यू बाई टू, यानी कि इसके ऊपर हमने जैसे ही क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लाया, ये कह रहा है कि इस वाले फेस पर आधा चार्ज आया है और इस वाले पर भी आधा चार्ज आया, नहीं आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, होना भी चाहिए था, ये बात यहां से क्लियर हुआ। समझ में आया बात? इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ऑन बोथ फेसेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत है? दोनों ही फेस के ऊपर चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कितनों को बात एकदम नहीं समझ में आया, वो कुछ तो अभी बताए नहीं है, बस हम यही कहें कि इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट हम क्या लगाए, बस इतना ही कि हम हर बार अभी यही से लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है, बस यही लगाना ही है, और उससे हम कुछ कुछ कंक्लूजन अब ड्रॉ करते जाएंगे। हमारा बेसिक फंडा यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अंदर में जीरो है, तो उससे हम क्या सीखे कि चार्ज दोनों ही सरफेस के ऊपर सेम आता है, यानी कि अगर हम क्यू लेकर के आए थे तो दोनों ही फेस पर अगर हम फाइनली देखें, अगर हम बाहर से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर के आए थे तो इधर की तरफ कितना चार्ज आया, क्यू अपॉन टू, इधर की तरफ कितना चार्ज आया, क्यू अपॉन टू, आधा आधा दोनों की तरफ बढ़ गया। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं, छापो। तो अभी अगला कंडीशन ये है, केस नंबर टू, केस नंबर टू कि मान लेते हैं कि मैंने फिर से एक कंडक्टिंग प्लेट लिया है, ठीक है, इस वाले के ऊपर अगर हम क्यू वन अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर के आए, इस वाले के ऊपर अगर हम Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर के रख दिए, यानी दोनों पर हमने अलग अलग चार्ज दिया है मान लेते हैं, तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं, तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे? तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लिखोगे, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी क्या लिखेंगे Q1, है ना, ऐसे लिख देता है E1, और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह मतलब हर चार्ज का आ गया, इसके कारण भी आया और इसके कारण भी आएगा, तो दोनों के तरफ कारण तो इधर ही आने वाला है E2, और दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए नेट चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को सिंपली एड कर देंगे, तो ई नेट जो आने वाला है वो आ जाएगा हमारा E1 प्लस में E2। E1 क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन 2A∈0 और Q2 अपॉन 2A∈0 हो जाएगा, और दोनों को अगर हम साथ में देखें तो हमको कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा, ये Q1 प्लस में Q2 क्या है भाई, नेट चार्ज है क्या इसका, है कि नहीं, लेट Q इज द Q1 प्लस में Q2, है ना, तो Q क्या हो गया, नेट चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये कंडीशन करें, केस टू के बारे में लिख लो, इफ वी, है ना, इफ वी गिव Q1 ऑन फर्स्ट फेस एंड Q2 ऑन अनदर फेस, देन ठीक है, देन क्या हो जाएगा, ई नेट हमारा ये आ जाएगा, देन क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जहां जो आ रहा है वो हमारा नेट चार्ज की वजह से आ रहा है, इसके वजह से भी आ रहा है और इसके वजह से होना भी चाहिए था, है ना, इसका मतलब यही हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजिशन इज गिवन बाय नेट चार्जेस, ठीक है, जो कि समझ में भी आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट चार्ज के वजह से ही आ रहा है, तो क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात तो समझ में आता ही है, और कमाल का बात यह भी कि पीछे ही अभी सीखे थे कि दोनों पर
अलग अलग चार्ज नहीं हो सकता है। अगर हम डाल भी देंगे अलग अलग तो वो बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के इक्वल इक्वल ही हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा Q1 प्लस में Q2 बाई 2 और इधर हो जाएगा फाइनली Q1 प्लस में Q2 बाई 2। अगर हम ऐसे करके डालेंगे अभी तो बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट होकर कैसे हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, इधर में हो जाएगा Q1 प्लस में Q2 बाई 2, क्योंकि बाद में दोनों डिस्ट्रीब्यूट होना ही है और दोनों बराबर बराबर ही चार्ज आना है। नेट चार्ज जोड़ोगे तो देख लो Q1 प्लस में Q2 यार है, जो कि पहले भी दिए ही थे। ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में अभी भी जीरो ही होगा, इधर देखोगे तो उधर की तरफ ही आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, कोई दिक्कत छाप लो। अगला केस देखते हैं, केस नंबर थ्री। केस थ्री क्या कहता है कि हमारे पास दो प्लेट्स है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। इसके ऊपर हम Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर के आए हैं और इस पर हम Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर के आए हैं। इस पर हम Q1 डाले, इस पर हम Q2 डाल दिए। अब हमको ये बताना है कि बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट होकर कितना कितना चार्ज किस किस फेस पर होगा, हमको ये समझाना है। हम स्टार्ट होते एक एक करके, जैसे शुरुआत में पहला वाला जो केस किए थे वैसे ही करेंगे, एक साइड से बांटना स्टार्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर, इस वाले के ऊपर प्लस में कुछ एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया है। इसमें कितना आएगा Q1 माइनस में एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा प्लस में, कोई दिक्कत है? मतलब अगर Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज हम लाए हैं तो इस पे प्लस में X अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है, इसमें Q1 माइनस में X अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है। हम इस पे मान लेते हैं कि Y अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है सिमिलरली, ये बात कह सकते हैं ना, इस पे हम कह दें Y अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है तो इस पे क्या Q2 माइनस Y अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। इतना में किसी को तकलीफ? हाँ हाँ, तुम्हें लोग में से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ रहा है ना, कोई तकलीफ? चलो ठीक है। तो हमको पता है इसमें देखो, इसका अगर इसमें अगर हम Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज लाए हैं तो इसके ऊपर X है, इसके ऊपर Q1 माइनस में X हो जाएगा, इस पे Y लाते हैं इसमें Q2 माइनस Y हो जाएगा। और दोनों, फिर सुन लो मेरी बात को, दोनों बहुत बड़ा है और ये दोनों बहुत ही छोटे डिस्टेंस में रखा हुआ है, बहुत सेपरेशन इसका कम है, इसलिए हम इसके नियर बाय में ही बात कर रहे हैं, अगल बगल में ही, ठीक है? ये भी दिमाग में रख लो, अगर कुछ इस तरह का चीज दिया हुआ है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ये बात भी दिमाग में रखना, क्योंकि बगल में ही है, ठीक है? बहुत 20-20 किलोमीटर दूर पे बात नहीं हो रही है, ठीक है ना? चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमको पता है कि ये पॉइंट है हमारा वन मान लेते हैं, इस पॉइंट को टू कह देते हैं, और दोनों कंडक्टर है तो हम ये कह देंगे कि यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ड्यू टू ऑल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर होता है वो हर किसी का कारण होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन पे जीरो सिर्फ इसी कारण नहीं होने वाला है, इसके कारण भी होने वाला है, और यहां पर भी जीरो, ये दोनों के कारण तो होगा ही, साथ में ये दोनों के कारण भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन ड्यू टू ऑल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू ड्यू टू ऑल चार्जेस बोथ आर इक्वल टू जीरो, इज इट ओके? समझ में आया बात? तो पहला बात तो क्या सीख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वन पॉइंट पर जीरो है, और वन पॉइंट पर जीरो होगा तो चलो वन पर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनने वाला है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा। तो अगर हम वन वाले कंडीशन पर देखें, वन वाले के ऊपर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितना बन रहा है, एक्स अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो इधर की तरफ, और ये भी प्लस है, इसका कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगा वन वाले पर, क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनता है, इधर की तरफ आ जाएगा Q1 माइनस में एक्स अपॉन 2a ε0 y वाले के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वन पर, यहां 2 पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 पर बात कर रहे हैं, y के कारण भी 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आने वाला है, कितना आ जाएगा चार्ज y अपॉन 2a ε0, और इसके कारण में क्योंकि ये भी प्लस है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पर, 1 पर बार-बार कह रहे हैं ये 1 पॉइंट है, 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आने वाला है, कितना चार्ज है Q2 माइनस में Y अपॉन 2A एप्सिलॉन जीरो, यानी कि इस वाले प्लेट के कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पर इधर की तरफ आ रहा है, इसके कारण इधर, इसके कारण भी इधर, इसके कारण भी इधर,
तो हम ये कह देंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो है, इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है, कह सकते हैं क्या? हम लिख देते हैं, हम अभी फिर से लिखते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से, एक्स अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो उधर, अब बाकी जितना इधर है सबको माइनस में लिख देते हैं, माइनस में क्यू वन माइनस में एक्स अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो माइनस में वाई अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो माइनस में Q2 माइनस वाई अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो, जीरो जाएगा, हर किसी के डिनोमिनेटर में टू ए एप्सिलॉन जीरो। एक्स का वैल्यू आ चुका है, क्या हम Q1 माइनस में एक्स निकाल सकते हैं क्या? तो हम निकालते हैं Q1 माइनस में x, तो Q1 माइनस में x तो यही है ए ना, तो Q1 प्लस में Q2 बाई टू बाय वन कर लेंगे तो 2Q1 माइनस में Q1 यानी हो जाएगा सिर्फ Q1 माइनस में Q2 बाय टू। सिमिलरली अब ये वन वाला कंडीशन खत्म हो गया, अब टू पर बात करते हैं, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू भी जीरो हो जाएगा, टू पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ड्यू टू ऑल चार्जेस। अब अगर हम बात करते हैं दो पॉइंट पर, तो इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दो पर इधर की तरफ बनेगा सेम एक्स अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो, इसके कारण भी दो पर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही बनने वाला है, कितना है क्यू वन माइनस में एक्स अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही बनने वाला है, कितना है वाई अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो, लेकिन इस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टू पर इधर की तरफ बन जाएगा। हम दो पॉइंट में बात कर रहे हैं, ये वन था, इधर की तरफ क्या जाएगा Q2 माइनस वाई अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो, तो हम ये कह देंगे कि इस सब को ऐड कर लेंगे तो जीरो आ जाएगा फिर से, तो क्या लिख सकते हैं यहां से X अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो प्लस में Q1 माइनस में X अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो अब प्लस में y अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो अब प्लस में सॉरी माइनस हो जाएगा यहां पर q2 माइनस y अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू जीरो। y जो आ रहा है नेगेटिव ऑफ q1 प्लस में q2 बाय 2 आ जाएगा, और सिमिलरली अगर तुम सॉल्व करोगे बाद में तो हमको ये q2 माइनस में जो y दिख रहा है वो हमको दिखेगा q1 प्लस में q2 बाय 2 सॉल्व करने से तुमको मिल जाएगा। पहले यहां तक छाप लो, अभी हम दिखाते हैं कि क्या क्या, अच्छा ठीक है अब ये दिखा देते हैं, ये समझ में आ गया ना, छाप लो, हम इधर वाले को साफ कर दे रहे हैं। तो अब देखते हैं फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, यही प्लेट है और ये वाला प्लेट है, हम इसके ऊपर डाले थे Q1, इस पर डाले थे Q2, इस वाले पर कितना चार्ज आएगा देखो, तो फर्स्ट वाले नहीं X पर, X का वैल्यू कितना है, X पर कितना है दोनों का सम का आधा, यानी कि यहां पर जो चार्ज है ये कितना है Q1 प्लस Q2 का आधा, ठीक है, और इधर कितना चार्ज है तो देख लो Q, देखो यहाँ पर Q1 माइनस में Q2 का आधा है ना, Q1 माइनस में X, यानी कि इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिखे फिर इस दोनों घटा करके यहाँ लिखेंगे प्लस में ही आ रहा है, तो Q1 माइनस में Q2 का आधा जितना ये है उतना ही यहां पर भी आ रहा है लेकिन निगेटिव में, यहां पर माइनस में आ रहा है Q1 माइनस में Q2 का आधा, और जितना यहां है वही चीज यहां भी आ रहा है प्लस में Q1 प्लस में Q2 का आधा। इसका मतलब अभी क्या सीखे कि जो मेरा आउटर साइड आउटर फेस है जो बाहर का फेस है उस पर सेम चार्ज आ रहा है और सेम साइन का भी चार्ज आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और साइन भी सेम है, जिनको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज, इनको क्या कहेंगे आउटर चार्ज को बोलते हैं आउटर फेस चार्ज, इज कॉल्ड फ्री चार्ज, ठीक है पहला बात तो ये, और अंदर वाले को देखो
अंदर वाला कुछ इस तरह से है कि अंदर में भी सेम चार्ज है मगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो हम इसको कहते हैं बाउंडेड चार्ज, इनर फेस चार्ज का सर, इनर फेस चार्ज आर कॉल्ड बाउंडेड चार्ज, बाउंडेड चार्ज। समझ में आया बात? इसका मतलब क्या होगा कि इस दोनों का सम करके यहां लिख देना है, इस पर दोनों घटा करके लिख देना है, जितना चार्ज यहां आएगा उतना ही यहां लिखना है लेकिन निगेटिव साइन में, और यहां पर वही चार्ज होगा जो यहां होगा। तो हम एक लाइन में ही लिख सकते हैं, अब इतना करने का हमको कोई जरूरत नहीं, बस एक बार करके दिखा दिए। अभी सवाल देते हैं, छाप लो। तो अगला जो क्वेश्चन है यहां पर देख लो, तीन क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है, और तीनों में अलग अलग तरह का कंडीशन दिख रहा है। यहां पर दोनों में सिमिलर टाइप का चार्ज है मगर मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है, यहाँ पर अपोजिट टाइप का चार्ज है दोनों में मैग्नीट्यूड अलग अलग है, यहाँ पर सेम टाइप का चार्ज है और मैग्नीट्यूड लेकिन दोनों का सेम है, और हमको पूछ रहा है कि यहाँ पर तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यानी इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ पर, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमको पता है जीरो ही होगा दोनों पर, ए बी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है। तो पहला नंबर, तो भाई सबसे पहले इसको स्टेप सॉल्व करने के पहले हमको चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे कितना पे चार्ज होगा, तो हम एक काम करते हैं फिर से हम दोनों को बनाते हैं, ठीक है, प्लेट्स को ऐसे बना लिए, और हमको पता है कि इसके ऊपर 4q अमाउंट ऑफ चार्ज है और इस पर है 8q, तो हमको पता है इस साइड में कितना चार्ज होता था, दोनों को सम करके आधा करते थे, यानी कि इधर की तरफ कितना हो जाएगा 8 और 4 12, और 12 का हाफ 6, यानी कि इस पे आ जाएगा 6q चार्ज प्लस में, इस वाले प्लेट पर, इस पर आ जाएगा प्लस में 6q अमाउंट ऑफ चार्ज। हमको ये भी पता था जितना यहां आएगा उतना ही यहां पर भी आएगा, पता है ना 6q अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, इतना सीख चुके हैं। अब सेकेंड नंबर में ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया, ऐसे भी समझ लो कि चार्ज कहीं है, इसका भागना नहीं है, ये आइसोलेटेड है, यानी कि इसका जो भी नेट चार्ज होगा वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस पे था 4q और हमको दिख रहा है एक ही फेस पर 6q अमाउंट ऑफ चार्ज आया, और चार्ज रहना चाहिए था इस पे टोटल मिला करके 4q, इसका मतलब है कि 6q अगर हम यहाँ पर माइनस में 2q डाल दें तो फिर से देखो तो 4q आ जाएगा। समझ में आया? अगर 6q में से 2q घटा देंगे तो बचेगा ना 4q, और अगर पीछे का फॉर्मूला देखो उसमें भी लिखा हुआ था कि इस दोनों घटा करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 में से 8 घटाएंगे तो -4 बचेगा, उसका आधा करोगे तो -2 ही आएगा, दोनों लॉजिक सही है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से थोड़ा ज्यादा दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा बात क्या सीखे थे कि इस दोनों में सेम ही चार्ज आता है मगर अपोजिट कैरेक्टर का, यानी कि यहाँ निगेटिव होगा तो यहाँ प्लस होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी कि यहाँ पर भी 2q ही आएगा लेकिन रहेगा प्लस में, और फिर से देखो इन दोनों को ऐड करके तुमको अपने आप 8q दिख रहा होगा। समझ में आ गया बात? पूरे अच्छे से नहीं समझ में आया, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस वाले को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस दोनों को सम करके पहले आधा करना है, तो 4q में से 2q खत्म हो गया तो बचा सिर्फ 2q, क्योंकि जोड़ने का मतलब तो घटेगा है ना यहाँ पर, तो 2q का आधा क्या बचेगा, q, यानी कि इधर की तरफ हो गया प्लस में q, प्लस में q आ चुका है इधर, और हमको पता है कि 4q ही होना चाहिए था, यहाँ पर q है तो इधर की तरफ प्लस में 3q होना है, 3q और 1q 4q हो जाएगा, जितना यहां होगा उतना ही यहां पर भी होगा लेकिन निगेटिव में होगा तो माइनस में 3q हो जाएगा, और इधर की तरफ उतना ही होगा जितना यहां था, यानी कि प्लस में q ही होने वाला है। समझ में आ गया? देख लो अभी भी तुमको दिख रहा होगा 2 3q में से 1q चला जाएगा, माइनस में 2q तो दिख भी रहा है। पूरा इजी है कि बहुत भारी है? बहुत इजी है। चलो अब इस जगह पर, सॉरी इस जगह पर नहीं, हम इस प्लेट पर लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी चार्ज लिख रहे हैं, इस दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो क्या बचेगा, 4q का आधा यहां पर क्या बचेगा, प्लस 2q, और जितना है तो उतना ही यहां पर प्लस 2q इधर भी दिख जाएगा। अब देखो दोनों पर 2q चार्ज आ ही गया, और 2q दिए ही थे, इधर की तरफ कोई चार्ज रहेगा जो बचना है इस पे? नहीं समझ में आया,
हमने दो क्यू दिया था, वो दो क्यू यहाँ आ गया, यानी कि इस फेस पर कोई चार्ज आया ही नहीं, इस फेस पर भी कोई चार्ज नहीं आया, यानी कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा। फॉर्मूला से भी देख लो क्या कहता था, दोनों को घटा करके आधा करो तो दोनों घटाएंगे जीरो ही आ जाएगा। इजी है ना, बहुत आसान था कैसे चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब पूछ रहा था कि भाई ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पोजिशन पे अगर हम बात करेंगे तो ये ना ए पोजिशन, इस पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके कारण इधर की तरफ आएगा, सिक्स क्यू करंट इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ कितना आएगा मतलब माइनस लिख लेते हैं, तो माइनस में सिक्स क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो, माइनस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के लिए के तरफ आता है ऐसे, यानी कि इधर की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए प्लस में लिख देते हैं, तो टू क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो। अब ये बोलोगे सर लिखा था माइनस, आप लिख रहे हैं प्लस, डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसके कारण देखेंगे तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, इस फिर प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आने वाला है, इसलिए माइनस में टू क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो, और सिक्स क्यू का कारण भी इधर ही आने वाला है, इसलिए माइनस में सिक्स क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो गया क्या, तो क्या बचा, माइनस में 12 की क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, यानी हो गया माइनस में 6q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया। उसी तरह से अगर हम b पॉइंट पर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट b पोजीशन यानी बीच वाले कंडीशन पे, इस पर बात कर लेते हैं, ये निकाल देते हैं यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट b पोजीशन पे बात करते हैं। a पर नहीं समझ में आया, a वाले पर देखो, इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, 6q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, माइनस के कारण माइनस के तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हम इधर की तरफ लिख रहे हैं, इसके तरफ क्या हो गया 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, फिर 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, और इसके कारण इधर की तरफ हो जाएगा 6q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0। हम इधर वाले को प्लस लिखे, इधर वाले को माइनस लिखे, सारा माइनस में ही था, एक प्लस में था, इसलिए दोनों खत्म हो गए, वहां के दोनों निगेटिव रह गया। अब बी पर बात करते हैं, बी वाले पर, तो अगर हम बी वाले पर देखें तो प्लस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, प्लस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आना है, कितना है 6q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, माइनस वाले के तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए माइनस वाले के तरफ आ जाएगा, तो 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, प्लस वाले के कारण इधर ही आने वाला है, तो 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और इसके कारण भी इधर ही आने वाला है, तो 6q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 4 और 6 10, 10 में से 6 चला गया, यानी कि 4q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, यानी हो गया 2q अपॉन a एप्सिलॉन 0, ये हो गया इसका आंसर। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट c पर भी बात कर सकते हैं उसी तरह से, सी पोजिशन यानी कि यहां वाले पर, तो इसके कारण यहां पर ना बात कर रहे हैं सी पर, इधर का मत देख लेना, वो तो इनिशियल कंडीशन था, बाद में सारा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होकर कैसा बना है, तो हम इसके कारण नहीं बात कर सकते। तो 6q कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, तो प्लस में 6q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0 लिखेंगे, प्लस 2q के कारण भी इधर ही आने वाला है, यानी हो जाएगा 8q, इसी तरह लिखते हैं, कोई तकलीफ नहीं हो जाएगा, 6q और 8q, अब 2q के कारण भी इधर ही आने वाला है, यानी 10q हो गया, अरे क्या कर दिया, 6 के कारण इधर की तरफ, यानी कि 6q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, प्लस 2q के कारण भी इधर ही, यानी कि 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, माइनस के तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इधर इधर मतलब माइनस, माइनस में कितना 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, अब फिर ये जो प्लस है उसके तरफ इधर की तरफ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए प्लस में 6q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, यानी कि ये दोनों खत्म हो गया, तो फिर से हो गया 12q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, यानी कि 6q अपॉन a एप्सिलॉन 0, 6q अपॉन a एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों साइड सेम है, लेकिन एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, एक के कारण इधर की तरफ है। समझ में आ गया बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी तीनों पे निकाल दिए, उसी तरह से अब तुम्हारा काम है कि इसके कारण ए पर बी पर सी पर
निकालो तीनों का चार्ज पता है, इसके कारण भी तीनों पर निकालना है, सबको निकालना है, और सबका आंसर हमको चाहिए टेलीग्राम पे। कोई दिक्कत छाप लो अच्छे से, समझ आएगा बदरा फिर से। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ माइनस के तरफ आता है, इसके कारण इधर की तरफ आ जाएगा, यहां पर भी उसी तरह से, यहां पर भी उसी तरह से, तीनों ठीक है। इस बार हम लोग देख रहे हैं दो प्लेट वाले कंडीशन समझ में आ गया सारा, अब चौथा केस पे बात कर रहे हैं, केस नंबर फोर। केस नंबर फोर में हमारे पास तीन प्लेट है, इस बार कितने प्लेट है, तीन, एक दो और ये रहा तीन, है ना, थोड़ा मोटा मोटा बना दे क्या, चलो ठीक है बना देते हैं ऐसे ही, ऐसे बना दिए। इस पर हमने Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज लाया, इस पर Q2 डाला और इसके कारण Q3 डाल दिया, और हमको फिर से बताओ कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो हम कैसे करते थे, इस पर अगर हम मान लें x है तो इस पर हो जाएगा Q1 माइनस में x, इस पर अगर हम y कर दे तो इस पर हो जाएगा Q2 माइनस y, है ना, और इस पर हम मान लेते हैं a है, ये चलो ठीक है Q मान लेते हैं, इस पर हो जाएगा Q3 माइनस में Q अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा, है ना, और हम लिखना चाहते हैं यहां पर यहां पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, तो 1 पर 2 पर और 3 पर, हमको पता है तीनों कंडक्टर है, तीनों के जगह पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ऑल चार्जेस की वजह से, ये बात तो तय हो गया ना। तो पहला बात तो समझ में आ चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 पोजीशन जीरो हो जाएगा, तो 1 पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा प्लस ही हम मान ले मान के रखे हैं सबके कारण, तीनों प्लस है, 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आने वाला है और बाय 2a एप्सिलॉन 0 आएगा, वो सब में 0 हो जाएगा नीचे में, हम उसको अब हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, इस x के कारण इधर की तरफ आएगा, यानी कि प्लस में x आ रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा q1 माइनस में x, बाकी सब के कारण इधर ही आने वाला है क्योंकि सारा प्लस है, तो इसके कारण कितना आ जाएगा, y के कारण भी माइनस में Q2 माइनस वाई, माइनस में Q, माइनस में Q3 माइनस में Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन 1 इक्वल टू जीरो। ये तो फिर से वैसे ही आ रहा है, अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करके देख रहे हैं तो इस वाले पर तीनों का सम करके आधा, पहले तो दोनों का सम करके आधा आता था, क्या सिमिलरली फिर उसी तरह इधर की तरफ सेम आएगा क्या, आना ही है। चलो अब देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, Q1 माइनस में x का वैल्यू कितना आता है, तो Q1 माइनस में x का वैल्यू क्या आएगा, Q1 माइनस में इतना n है तो क्या है, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 बाय 2, तो 2Q1 माइनस में इतना, यानी हो जाएगा Q1, है ना, देखो 2Q1 माइनस में Q1, यानी कि हो जाएगा Q1 माइनस में Q2 माइनस में Q3 अपॉन 2, और उसी तरह से अगर हम ये 1 का कंडीशन हो के उसी तरह 2 पे बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 पोजीशन हमारा 0 हो जाएगा, और अगर हम 2 पोजीशन पे बात करेंगे क्या लिखेंगे, इसके कारण इधर की तरफ x प्लस प्लस में q1 माइनस में x हो जाएगा, प्लस में y के हो जाएगा, अब फिर माइनस में q2 माइनस y हो जाएगा, फिर माइनस में q हो जाएगा, माइनस में q3 माइनस में q हो जाएगा, इक्वल टू जीरो लिख देंगे हम। अगर सॉल्व करके देखें तो हमको x वाला हिस्सा तो खत्म आ रहा है, q वाला हिस्सा भी खत्म आ रहा है, तो बच रहा है यहां पर से हमको y वाला हिस्सा। ये भी आया है सिमिलर इन मैग्नीट्यूड, सेम तरह का बात हो रहा है ना, नहीं हो रहा है क्या, चलो ठीक है। तो ये जितना आ गया Q2 माइनस y भी हम निकाल सकते हैं यहीं पर फटाक से, तो Q2 माइनस y का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q2 माइनस में
वाई हो जाएगा यानी कि प्लस में, कितना क्यू वन माइनस में क्यू टू माइनस में क्यू थ्री बाई टू, तो टू क्यू वन इतना आ जाएगा, तो टू क्यू टू माइनस में क्यू टू यानी कि हो जाएगा प्लस में क्यू टू और माइनस में क्यू थ्री बाई टू, इतना यहां आ रहा है। तो इस पर q का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम सीधा बोल सकते हैं q का वैल्यू हो जाएगा माइनस में इतना पूरा q1 प्लस में q2 माइनस में q3 बाय 2, और लास्ट वाले फेस पर तो सेम ही आएगा, सॉल्व करके देख लोगे तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट फेस में यानी कि हम बाद में अगर रिडिस्ट्रीब्यूट करके बनाए तो इसको छाप लो कितना कितना आया। तो ये दो सवाल दिख रहा है, इस दोनों में क्या दिख रहा है कि एक जगह पे हम q चार्ज दिए हैं, दूसरे पर नहीं दिए हैं। सिमिलरली यहां पर भी यहां चार्ज दिए हैं, यहां चार्ज दिए हैं, यहां नहीं दिए हैं। तो जहां नहीं दिए हैं मतलब वहां पर कितना चार्ज है, तो हम कह देंगे भाई जीरो चार्ज है। वहां पर कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है। तो चलो फिर उसको जीरो मान के चलेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो जब सॉल्व करने बैठेंगे तो इस पर कितना आ जाएगा, इस वाले फेस पर क्या सीख है दोनों, इस पे कितना चार्ज है जीरो, इस पे कितना है जीरो। चलो अब यहां पर बात करते हैं, क्या सीख है दोनों का सम करके आधा, यानी कि इस वाले प्लेट पर अगर हम दोनों साइड में देखना स्टार्ट करें इस पर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन टू आ जाएगा प्लस में। अब यहां क्यू था इसका मतलब इधर की तरफ कितना आ जाएगा, क्यू बाय टू, है ना, दोनों में तभी ना क्यू आ जाएगा इसके ऊपर। अब यहां पर हमको पता है कि जितना यहां होगा उतना यहां होगा, यहां पर माइनस में क्यू बाय टू हो जाएगा, ठीक है। और हम ऑलरेडी जीरो डाले थे, सो जीरो करने के लिए यहां प्लस में हमको क्यू बाय टू डालना पड़ेगा। देखो कितना अच्छे से खूबसूरत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, समझ में आ गया। यानी अगर एक गंडे में या एक प्लेट पे चार्ज ही नहीं दिया तो उसको जीरो मानना है और सॉल्व कर लेना इस तरह से, ठीक है। अगले कंडीशन पे देखते हैं, मजा आ रहा है नहीं आज, आज तो लग रहा है कि थोड़ा अब ठीक ठाक लग रहा है, नहीं जी चलो ठीक है। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा, माइनस टू क्यू हो जाएगा क्या, सब ऐड करके थ्री क्यू एक क्यू माइनस में टू क्यू का आधा यानी कि क्यू माइनस में, यहां माइनस चार्ज है और यहां पर क्यू है, जरूर हमको यहां पर प्लस में टू क्यू रखना पड़ेगा, दो क्यू में से एक क्यू जाएगा, है ना, ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा, माइनस में थ्री क्यू, जितना चार्ज यहां उतना चार्ज यहां आएगा लेकिन माइनस में आएगा, यहां जीरो था अब माइनस टू क्यू आ चुका है तो जरूर यहां प्लस टू क्यू आया होगा तभी ना जीरो होगा। अब जितना चार्ज यहां उतना ही चार्ज यहां आ जाएगा माइनस में टू क्यू, और जितना यहां उतना ही यहां, देख लो माइनस थ्री क्यू आ गया। फिर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आसान हो गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। तो अभी जो दिख रहा है ये वाला सवाल में कह रहा है कि हमारे पास n प्लेट्स हैं, n प्लेट्स हैं, n प्लेट्स यानी कि बहुत सारा प्लेट है, दो कर लिए एक दो तीन, अब n प्लेट के ऊपर बात कर रहे हैं ना, क्या बात है। चलो ठीक है, इस वाले पर कंडीशन में क्या देखेंगे कि अब कह रहा है कि वही सेम हर फेस पर बताओ कितना कितना चार्ज होगा, तो लिखना आसान है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कितना आसान है। और हम इसको कर रहे हैं लास्ट वाला फेस, इस पर हम डाले थे Q1 चार्ज, इस पर हम कह सकते हैं Q2 चार्ज डाल दिए, और इस पर हम डाल दिए Qn चार्ज डाल दिए। अभी अभी सीखे थे कि इस वाले फेस पर कितना चार्ज आता है, यहां पर सबको सम करके आधा कर देंगे, यानी कि इस वाले पर इसको कर देते हैं वन, इसको कर देते हैं टू, इसको कर देते हैं थ्री फेस, इसको कर देते हैं फोर फेस, है ना। तो अगर हम कर देते हैं चार्ज ऑन वन फेस, है ना, इधर वाला पर हम इसका इसके ऊपर कर रहे हैं चार्ज ऑन वन फेस, ऐसे लिख देते हैं क्या, इस पर हम Q1 लिख देते हैं, इस पर अच्छा रहेगा Q2 लिख देते हैं, है ना जी, और क्या Q3, यहाँ पर Q4, तो Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबको सम करके आधा करना है, यानी कि Q1 प्लस में Q2 प्लस में डॉट डॉट Qn बाय 2 हो जाएगा। क्या हम इसी को ऐसे ले सकते हैं क्या, सम ऑफ क्यू आई और आई का वैल्यू वन से लेकर के एन तक, सम ऑफ क्यू आई, आई का वैल्यू वन से लेकर के एन तक, ऐसे लिखते हैं ना,
ये हो गया। Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, जितना हमने डाला था उसमें से इतना तो चार्ज आ चुका है इस पे, तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा दिस माइनस में दिस, यानी हो जाएगा Q1 माइनस में समेशन ऑफ QI, I का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, Q2 आ जाएगा। और Q3 पता है उतना ही होता है जितना इस पर होता है, लेकिन निगेटिव वाला होता है। क्या बात है सर, पे लिखना कितना आसान हो गया, माइनस में Q2 होता है तो माइनस में हो जाएगा पूरा का पूरा Q1 माइनस में समेशन ऑफ QI, I का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। नहीं जी, अब हम बात कर सकते हैं Q4 का वैल्यू, Q4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना इस पर आया है इसमें से घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा Q2 माइनस में इतना, यानी कि Q2 प्लस में इतना है ना, Q1 माइनस में समेशन ऑफ QI, I का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, है ना जी। अब ये चीज को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, इसके पास क्या क्या है, Q1 से लेकर के Q2 Q3 वगैरह सब है। तो अगर हम थोड़ा इसको इसमें देखें तो Q1 वाला हिस्सा कट रहा है ना, Q1 वाला हिस्सा इसमें से कट रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर से, नहीं समझ में आ रहा बात, इसमें Q1 Q2 Q3 सबका सम हो रहा है, तो Q1 तो कट जाएगा ना माइनस वाला, और Q2 भी माइनस वाला कट जाएगा, Q2 भी माइनस वाला कटेगा, है ना। तो क्या बचेगा, माइनस में समेशन ऑफ क्यू आई, आई का वैल्यू 3 से लेकर के अंत तक बचेगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस Q1, ये ठीक 3 से लेकर के अंत तक बचेगा इस वाले पर, यानी कि Q4 पर, ठीक है। अब इस पर कितना बचेगा, अगर हम इस वाले पर बात करेंगे तो चलो यहां पर पहले बात कर रहे थे, यहां पर कितना, जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, इस तरह से आप देख सकते हैं आगे, समझ में आ रही बात ना, इस वाले का मतलब समझ में आ गया ये पूरा अच्छा से। अगर हम यहां पर बात करें इस वाले पर, इस वाले पर तो वही हो जाएगा चार्ज, अगर हम इसको कह देते हैं कि क्यू एन फेस, और इसको हो जाएगा क्यू एन माइनस वन फेस, है ना। तो क्यू एन वाला क्या हो जाएगा, सेम समेशन ऑफ क्यू आई, आई का वैल्यू वन से लेकर के एन तक, इस तरह से चार्ज हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स पर आ जाएगा, याद रखना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी से सीखेंगे जो पीछे का पूरा कहानी था उसमें हम लोग ने पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया था, अब हम बात करेंगे अर्थिंग का। अर्थिंग हम कर रहे हैं, अर्थिंग मतलब अर्थ से हम किसी भी प्लेट को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट में, कंप्लीट अर्थिंग का पूरा थ्योरी। अभी जो अर्थिंग का जो छोटा सा हम दो बात बताना चाहते हैं वो दिख रहा होगा यहाँ पर। तो पहला बात तो ये कि अगर हम किसी भी प्लेट को अर्थ करते हैं, किसी भी प्लेट को अगर हम अर्थ करेंगे तो आउटर फेस पर, इधर और इधर, ठीक है, आउटर फेस पर चार्ज जीरो आएगा। अगर हम अर्थिंग किसी को भी कर रहे हैं, किसी भी प्लेट को करेंगे तो हमारा आउटर फेस पर चार्ज जीरो आएगा, आउटर फेस पर चार्ज हमारा जीरो आएगा। यानी कि अगर हम इसी कंडीशन को फिर से देख लेते हैं, अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे इसको, तो हम यही कहेंगे ऐसे ऐसे चल रहा था, लास्ट में क्यू एन चल रहा था, है ना, तो हम इधर ही कर लेते हैं, ठीक है, यहां यहां नहीं कर लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं अच्छे से बड़ा, ऐसा एक हो गया ये, हम इसको कह रहे हैं सेकंड वाला, और हम सीधा एन वाला ही बना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, इसके ऊपर हमने Q3 डाला था, हम अगर हम इसको अर्थ कर दे रहे हैं तो हम बोलेंगे आउटर फेस पर जीरो हो जाएगा, किसी को भी करेंगे तो आउटर फेस पर हमारा जीरो आएगा। और अगर हम जिसको अर्थ नहीं कर रहे हैं उसका क्या, उसका कुछ नहीं होना, उसके ऊपर जितना चार्ज है वो चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। हम जिस, अब देखें दूसरा वाला कंडीशन जो इधर आ रहा होगा, अर्थिंग जिसको किए उसको छोड़ करके जिस भी प्लेट को देखें वो तो आइसोलेटेड है, अर्थ वाले पर दिक्कत ये है कि अर्थ क्या करेगा कि वो कुछ चार्ज को सप्लाई कर देगा या चार्ज को खींच लेगा, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा सिंक है तो वो उस हिसाब से काम करता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। इसके बाद वाले लेक्चर के बाद हम लोग पोटेंशियल पर ही बात करेंगे, डोंट वरी, आगे देखते हैं यहाँ पर। तो
चार्ज हमारा जो प्लेट पर है वो हमारा कंजर्व रहेगा, ठीक है। चार्ज अगर कंजर्व रहेगा, इसके ऊपर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, इसके ऊपर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। यानी कि अगर हम ये कह दें कि ये हमारा सॉरी Qn था, इसके ऊपर यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, Qn आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जीरो अगर है इसकी तरफ Qn आ जाएगा। हाँ, अर्थिंग करते ही आउटर फेसेस पर इधर और इधर, यानी कि फ्री चार्जेस जिसको कहते थे, बाउंडेड वाले तो रहेंगे लेकिन इनको फ्री चार्जेस कहते थे कि वो जीरो हो जाएगा। जैसे ही अर्थ होगा फ्री चार्जेस जीरो होंगे, ये बात तय हो गया। व्हाइल अर्थिंग फ्री चार्जेस इक्वल टू जीरो, ठीक है। व्हाइल अर्थिंग फ्री चार्जेस इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब बताओ इसके ऊपर कितना होता था, जो भी होता था। हम एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये हम इसको कह रहे हैं सिस्टम टू और हम इसको कह रहे हैं सिस्टम वन, सिस्टम वन, ठीक है। इसको कह रहे हैं सिस्टम टू, इसको कह रहे हैं सिस्टम वन, दिख रहा है ना, एक सेकंड, हाँ दिख रहा है। इसको कह रहे हैं सिस्टम वन, इसको कह रहे हैं सिस्टम टू। क्यों हम सिस्टम, हम इसको अलग कर दिए, जिससे जैसे ही अर्थिंग उर्थिंग होगा तो हम उसको अलग कर देंगे। अब बताओ कि इसके ऊपर जितना भी चार्ज है वो सारा चार्ज मिल करके इस वाले के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज लेकर के आएगा। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है बता दो, इसके ऊपर Q2 से लेकर Q1 तक का चार्ज है इधर की तरफ, इस वाले के ऊपर कितना चार्ज है, इसको हम ये कह रहे हैं Q2 है ना, Q2। पहला बात तो तय हो गया, Q1 का वैल्यू जीरो हो गया, तो Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो भी चार्ज है वो सारा चार्ज यहां पर दिखेगा, क्योंकि ऐसा प्लस में है तो इधर माइनस में दिखेगा। कोई दिक्कत है, तो यहां पर दिखेगा माइनस में, समेशन ऑफ क्यू आई, आई का वैल्यू टू से लेकर के अंत तक, दो से लेकर के एन तक का जितना भी प्लस का चार्ज है उसके कारण यहां पर इस वाले प्लेट का सारा निगेटिव चार्ज खींच लिया जाएगा, इंड्यूस करवा देगा, क्योंकि सारा कहानी तो इंडक्शन का ही हो रहा है। कोई दिक्कत है, ये हो गया इस वाले के ऊपर चार्ज। अगर हमको इसका पता चल गया तो पूरा का पूरा गाना लिख देंगे जी, नहीं ये पता चल गया तो यहाँ का नहीं पता चल जाएगा, Q3 का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम मगर अपोजिट, यानी कि यहाँ निगेटिव है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी कि समेशन ऑफ क्यू आई, आई का वैल्यू दो से लेकर के अंत तक, Q4 का वैल्यू ये थ्री हो गया, Q3 इस पर Q4 हो जाएगा, Q4 का वैल्यू क्या हो जाएगा Q2 माइनस में Q4 हो जाएगा। Q4 का वैल्यू Q2 माइनस में Q3 हो जाएगा, और यहां से Q2 माइनस में Q3, यानी कि समेशन ऑफ Qi, i का वैल्यू 2 से लेकर के अंत तक। आज की बात समझो ना, अगर हम इस पे जीरो देख रहे हैं इसके ऊपर कितना आ जाएगा Qn चार्ज जाएगा, तो सबके ऊपर चार्ज तो हमको दिख रहा है कि कितना कितना कैसे कैसे आ रहा होगा, हम ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने बाहर वाले प्लेट के ऊपर अर्थिंग किया था तो अभी हम किसी भी प्लेट को अर्थिंग करेंगे वो भी देखेंगे। लेकिन एक बात बताओ, ऑन प्लेट वन के ऊपर बात करें, लेट कर लेते हैं, अर्थ गिव्स एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लेते हैं कि अर्थ ने एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया है ना टू प्लेट, है ना। इसका मतलब यही हो जाएगा कि अर्थ के ऊपर x भी आया है, अभी q2 दिख रहा है ना, x इसके ऊपर x आया है q2 दिख रहा है, तो ये सब मिलाकर कितना दिखेगा q1 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया बात, इसके ऊपर था q1, इसका कुछ हिस्सा अर्थ में चला गया, या हम ये भी कर सकते हैं, या फिर इसने अर्थ को सप्लाई किया, तो हम ये कह देंगे इसके ऊपर Q2 दिख रहा है, अर्थ ने सप्लाई किया, ये दोनों मिल करके Q1 होगा, तो ये तो हम लिखे हैं, तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा बेसिकली Q1 माइनस में Q2, तो Q1 माइनस में Q2 कितना था, ये ना था, यानी कि बेसिकली हो जाएगा प्लस में समेशन ऑफ Qi, i का वैल्यू 2 से लेकर के अंत तक, है ना।
यहाँ दो से लेकर के अंत तक का चार्ज है और ऑलरेडी वन है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको साफ साफ दिखेगा क्यू आई, आई का वैल्यू वन से लेकर के अंत तक, यानी कि वन भी आ गया नहीं इंक्लूड हो गया, तो वन से लेकर के अंत तक, यानी कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि अर्थ ने कितना सप्लाई किया है चार्ज, वो नेट चार्ज है देख लो, यानी कि पूरे सिस्टम के पास जितना भी चार्ज था उतना ही चार्ज अर्थ ने भी सप्लाई किया है। समझ में आया बात, ताकि सिस्टम का नेट चार्ज शुरू हो सके। देखो फ्री चार्ज सारा खींच लिया, समझा बात। अगले कंडीशन में देखते हैं, ये जो कंडीशन दिख रहा है इस वाले में हम लोग इस वाले प्लेट को अर्थ कर दिए, किसी को भी कर सकते थे, हम इसको ही कर दे रहे हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे क्या क्या चीजें हो रही है, हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहला नंबर तो हमको पता है कि अर्थ जैसे ही होगा तो क्या होगा, भूकंप आ जाएगा, भूकंप आता है जी, भूकंप तो नहीं आता है ना, ऐसे ही होता है क्या? चलो ठीक है, इस वाले को भी थोड़ा देख लेते हैं, तीसरा प्लेट ही बना ही लेते हैं, और ये हो गया हमारा nth नंबर ऑफ प्लेट, यहां पर हो गया क्यू वन। समझ में आ रहा है ना सबको, आज तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब तो है भी नहीं ज्यादा टेंशन, और लंबा खिंचा गया मगर बहुत धीरे धीरे खींचे। ये वन है, सॉरी इसको जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम कर रहे हैं क्यू वन चार्ज है, इस पर क्यू टू चार्ज है, इस पर क्यू थ्री चार्ज है, इस पर क्यू फोर चार्ज है, क्यू फाइव है, और ये क्यू सिक्स है, ठीक है। और हम इसको अर्थ कर दिए, जैसे ही अर्थ करते थे क्या बताए थे, इस वाले का वैल्यू जीरो हो जाएगा, आउटर फेस पर चार्ज हमारा जीरो हो जाएगा, अर्थ जितना भी चार्ज है सबको खींच लेगा, लेकिन फ्री फ्री वाला यही था उसको खींच लिया, ये सब तो बॉन्डेड है उसको नहीं खींच पाएगा। अब इसका बताओ, ये तो प्लेट कनेक्टेड तो नहीं ना है अर्थ से, इस वाले फेस का अगर जीरो है तो चार्ज तो नेट कंजर्व रहना चाहिए था इसका, इसका मतलब इसके ऊपर क्यू वन अमाउंट ऑफ चार्ज दिखने लगेगा हमको। समझ में आ बात कि नहीं है, क्योंकि ये प्लेट हमारा कंजर्व्ड था, इसका चार्ज कंजर्व्ड है, कहीं से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका तो नेट चार्ज तो जितना है उतना ही रह जाएगा, इस वाले फेस पर भले ना जीरो हुआ, इधर की तरफ तो क्यू वन रहेगा ना इसका मतलब, क्योंकि नेट तो क्यू वन ही है, और जितना चार्ज यहाँ है, अब ये सब तो बाउंडेड है, बाउंडेड वाला रूल फॉलो करेगा, अपोजिट फेसेस सेम चार्जेज आने वाले हैं, और तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस वाले के ऊपर माइनस में क्यू वन अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, आ जाएगा ना, इस वाले पर कितना आएगा, क्यू टू है ना, प्लस में क्यू वन आ जाएगा, है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू टू आ जाएगा इस वाले का, कोई दिक्कत है? और जितना यहां पर आ रहा है उतना ही यहां पर भी आएगा, तो माइनस में क्यू वन प्लस में क्यू टू अमाउंट ऑफ यहां चार्ज दिखेगा, कोई दिक्कत है इस वाले के ऊपर? समझ में आ गया बात। अब एक बात बताओ, ये जो पूरा कहानी है, ये एक सिस्टम हम इधर से बना सकते हैं, अब हम इसको कह रहे हैं सिस्टम टू, इसका जो भी नेट चार्ज है प्लस वाला उतना के कारण यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा ना ऐसे, इस पर कितना चार्ज है, समेशन ऑफ क्यू आई, आई का वैल्यू थ्री से लेकर के अंत तक है, इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर यहां पर हमको क्या दिखेगा, माइनस में नेट पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, अरे बताओ मैं इस पर क्या दिखेगा, माइनस में नेट सेम समेशन ऑफ क्यू आई, आई का वैल्यू थ्री से लेकर के अंत तक, यानी कि ये जो चार्ज है वही ये है, नहीं मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं अर्थ, क्योंकि यहां पर चार्ज कंजर्व नहीं है इस वाले प्लेट पर, अर्थिंग किया हुआ है, अर्थ कुछ ना कुछ तो किया होगा ना जी, अर्थ सप्लाई एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज, अर्थ ने एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया है, तो हम इसको अब हटा दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं इस वाले सिस्टम के कारण इतना चार्ज आया है यहां पर, अर्थ ने सप्लाई किया एक्स, अर्थ ने सप्लाई किया है एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज, इस पर चार्ज कितना है, माइनस में क्यू वन, इस पर चार्ज कितना है, माइनस में समेशन ऑफ क्यू आई,
आई का वैल्यू 3 से लेकर के n तक, ये तीनों ऐड करके तो हमारा Q2 ही आना चाहिए। सबको बात समझ में आ रहा है? अर्थ ने जितना x अप्लाई किया इसके ऊपर Q1 ऑलरेडी है, और इसके ऊपर इधर के कारण इतना चार्ज तो आना चाहिए, क्योंकि इधर की तरफ 3 से लेकर के n तक का जो प्लेट है उसे इलेक्ट्रिक सॉरी इतना का प्लस, इधर की तरफ इस वाले फेस पर माइनस चार्ज लाएगा ही, इंड्यूस करेगा ही। तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो हमको दिख रहा है q1 प्लस में q2 प्लस में समेशन ऑफ qi, i का वैल्यू 3 से लेकर के अंत तक, इसमें 3 से लेकर के यानी q3 q4 q5 qn तक चार्ज है, और ऑलरेडी हमको दिख रहा है 1 और 2 भी, यानी टोटल जो अगर हम ऐड करें तो हमको 1 से टोटल चार्ज दिखेगा qi, i का वैल्यू 1 से लेकर के अंत तक। इसका मतलब यही देखे कि चाहे तुम किसी प्लेट को अर्थ करो, बाहर वाले में चार्ज जीरो ही आना है, अर्थ पूरा नेट ही चार्ज सप्लाई करना है उसको, क्योंकि नेट चार्ज को बाहर में जीरो करना है, क्योंकि बाहर में नेट ही चार्ज आता है, तो उतना जीरो करने के लिए उसको इतना तो चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। खत्म हो गया, कुछ नहीं था, यही था पूरा रोना धोना इसमें। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो भाई रिवाइंड कर लेना थोड़ा वीडियो को, और मजेदार तरीके से डील करो सवाल को, और ऐसे सवालों को थोड़ा बनाना है, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं ऐसे वन वगैरह सॉल्व हो गया होगा, टेस्ट है ना। ठीक है, टेस्ट दो, और इलेक्ट्रिक प्रेशर का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी लगेगा, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी डिस्कशन होंगी, उनको भी देखना है, और अब तो कुछ है नहीं, बनाओ।